हाय दोस्तों, मैं ओम निरंजन, ओम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागतम करता हूँ। तो आज मैं माध्यिका बहुलक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक आसान तरीका से वह कैसे निकलता माध, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले यहाँ माध्य है, तो यहाँ दिया हुआ है 3, 5, 6, 8, 6 अलग अलग संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे 5 + 3 + 6 + 8 + 6 सबको जोड़ने के बाद कितना हुआ, 28। अब देखेंगे इसमें कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच पांच अंक है। कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 दे, इसके बट्टे में क्या करेंगे, 5 से भागा दिए। तो भागा देकर हुआ, यहाँ पे भागा दिए हैं 5 × 25 = 3। अब यहाँ दशमलव देकर सुनना लिखे, 6 × 5 = 30 कट गया, 5.6। तो आपका माध्य कितना हो गया, 5.6। अब है माध्यिका, क्या है माध्यिका। तो माध्यिका में क्या होता है, इसमें पहले देखेंगे सम संख्या है या विषम, कितना अंक है। तो इसमें पहले दिया था 3, 5, 6, 8, 12 पहले इतना ही संख्या दिया था। तो पहले इसमें सम है विषम, 1, 2, 3, 4, 5 विषम। अगर विषम संख्या रहेगा तो इसको सबसे पहले दो भी संख्या है इसको अलग कर लेंगे, ये दोनों संख्या को एजिट को अलग कर लेंगे। करने के बाद बीच में क्या बचा, 6। तो इसमें माध्य क्या कितना निकल गया, 6, यही माध्य। अगर विषम रहेगा तब ये नियम होगा, लेकिन सम रहेगा तब तब दोनों संख्या को क्या करें, जैसे इसमें सम है अलग से दो लिखे हैं, दो लिखे तो ये दोनों संख्या को अलग कर लिए, ये दोनों संख्या को अलग कर लिए। बीच में कितना संख्या बचा, 6 और 8। तो ये दोनों क्या करें, 6 और 8 को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद कितना होगा, 8, 6, 14। तो 14 में अब दो से क्या करते हैं, इसमें भागा देते हैं, 14 में 2 से भाग दे दिए, तो कितना निकल गया, 7। तो माध्य बराबर कितना, माध्य का बराबर कितना हो गया, 7 इसका आंसर। अब है बहुलक, बहुलक में जो भी संख्या दिया है देखते हैं, 10, 18, 12, 10, 12, 16, 12 और 8। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे एक क्रमबद्ध में। तो 8 यहाँ लिख लिए, 10 कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार यहाँ 10 लिखे हैं। 12 कितना बार है, 12 3 बार है, तो 12 3 बार लिखे हैं। 16 1 बार है, 18 1 बार है, तो लिख लिए। अब देखेंगे इसे कौन सा संख्या है जो अनेक, तो 8 यहाँ लिखा हुआ, 10 2 बार है, 12 3 बार है, 16 1 बार है, 18 1 बार है। जिसमें देखेंगे कौन सी संख्या जो सबसे अधिक बार आया है, तो 12 कितना बार आया है, 3 बार, और 10 कितना बार आया है, 2 बार। तो 12 3 बार आया है, तो वही यही हो गया जाएगा बहुलक, बहुलक 12 आंसर। अगर 10 3 बार आएगा रहे आया होगा तब, और 12 4 बार आया होगा तब, तो भी क्या होगा, 12 ही होगा बहुलक। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो आप लोग के लिए फिर तैयार कर लिया हूँ। तो